नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर सदर आजमगढ़ में स्काउट गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जमाल अहमद अमजद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रशिक्षण में मोहम्मद साजिद, डॉक्टर संजयंत कुमार पाठक, गौतमी चौहान और सोनी पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम आलोक कुमार श्रीवास्तव इन प्रशिक्षकों द्वारा समस्त स्काउट और गाइड को दीक्षा का कार्य संपन्न कराया गया। तत्पश्चात स्काउट और गाइड ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया, जिसका निरीक्षण प्रबंधक डॉक्टर जमाल अमजद, प्रधानाचार्य अतुल रसिक, कार्यक्रम संयोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें अमजद अली स्काउट दल को प्रथम स्थान और अनावरी गाइड दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल अमजद ने कहा कि स्काउट वर्दीधारी संस्था है जो अपने हित का कभी ध्यान नहीं देती, इसके लिए दूसरों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। जयंत कुमार पाठक ने कहा कि यदि स्काउट और गाइड अपने जीवन में सचित्र अनुशासन एवं नियम का पालन करें तो उनके यही गुण उनकी पहचान बनेगी और लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। हमें अपने आचार और व्यवहार से लोगों को यह परिलक्षित करना होगा कि स्काउट और गाइड समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मिठाई लाल यादव ने बताया कि स्काउट और गाइड वास्तव में हमें अपने आचार और व्यवहार से लोगों को यह परिलक्षित करना होगा कि स्काउट और गाइड समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मिठाई लाल यादव ने बताया कि स्काउट और गाइड वास्तव में एक ऐसे स्तंभ है जो समाज से समस्त बुराइयां समाप्त करने में भूमिका अदा करते हैं। दीक्षा समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित जमीर अहमद, एजाज अहमद, स्काउट मास्टर जफर आलम, गाइड प्रभारी मिठाई लाल यादव, ओपी मिश्रा, लोकमान्य छात्रों से कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दो। आज से तुम्हारा जीवन निष्पाप और निष्कलंक है। आपको आचार और विचार में दिखाई पड़ना चाहिए। आप लोग एक मासूम बच्चे के समान हैं और समाज में भारत स्काउट गाइड के परचम को लहराएं। आपके सामने खड़े होने का या बोलने का मौका दिया। मैं भी आकर के लोगों की तरफ से ही बहुत खुश हुआ। बहुत सब कुछ हमको भी सीखने को मिला, ये भी एक बात हम लोग को सीखे। अभी स्काउट जो है क्या, स्काउट गाइड है क्या, ये चीज़ें बता दी गई आप लोगों को, उसको बार बार रिपीट करेंगे। इसमें मेन बात जो आप लोग स्टूडेंट हैं उसको समझिए कि इसमें अनुशासन आ चुका है, कम में ज़्यादा से ज़्यादा कर देने की क्षमता आ जाती है। मेन बात आगे डिसिप्लिन आते और विषम परिस्थितियों में सामना करने की ताकत, विषम परिस्थितियों में बाढ़ आ गई, आप लोगों ने टाइम बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, कुछ भी और आप पहुँच गए तो आप वहाँ मैनेज कर लेंगे। ये सब अंदर है, ये आप विश्वास पैदा करता है। हमारे पास कुछ नहीं है या थोड़ा भी है तो हम कुछ करके कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर घर पे एड फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसको मैनेज करें। फर्स्ट एड बॉक्स में अपना रखें, कुछ लीजिएगा रबड़ रखेंगे, बैंडेज हो, कॉटन हो, थोड़ी सी दवा हो, लगा दीजिए, ज़रूरी है। अनुशासन अभी आपको आ जाएगा, थोड़ा सा भी अनुशासन में आ जाएंगे आप तो देखिए सफर साहब को कहा गया टाइम क्या रहेंगे। जैसे आपको तैयारी करने में जैसे जाना तो हम लोग सब लोग रहेंगे टाइम से तभी आप सीखोगे। ये स्काउट गाइड का ही सबसे फायदा है कि हमको भी एक्टिव रहना है। कोई समस्या आती है या कुछ परिस्थितियाँ आती है समाज के अंदर, देश के लिए या कहीं करने का जज्बा आता है तो उसके लिए हम रेडी हैं। ये 3 दिन के कैंप में आपको अपने अंदर उत्साह जरूर पैदा होगा, क्योंकि आप ही तो ऊर्जा हो समाज से लेकर देश का ऊर्जा आप हो। तो इस गाँव कार्य थे, ये सब मुख्य बातें यही थी और मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बात करी, मेरी कॉल बार बार आ रही है, सॉरी उसके लिए। हाँ तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, ताली बजा।